जय दोस्तों, मैं सनी सर, सनी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग एज पढ़ रहे हैं, एज का बहुत सारा पार्ट पढ़ चुके हैं। आपका किताब में मात्र 22-23 क्वेश्चन दिया, लेकिन मैं 60 क्वेश्चन का छोड़ दिया हूँ। मैंने जहाँ तक सीजीएल दीजिए, कुछ भी दीजिए, सीए दीजिए, टीए दीजिए, कैट दीजिए, स्लेट दीजिए, मैट दीजिए, कुछ भी दीजिए, आप सब में काम आ जाएगा, कहीं छूटेगा एक क्वेश्चन। तो चलिए आज आगे आते हैं। पाँचवा या छठा टाइप है, एक टाइप का बराबर आएगा। 60 क्वेश्चन लिए हैं, फिर जौन की एग्जाम में एक भी मिस नहीं करने वाला। चलिए यहाँ पर आते हैं, सीखेंगे। करा एक व्यक्ति, ध्यान देंगे बहादुर, यहाँ पे करा एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। कितना है योग? तो सबसे पहले 45 वर्ष है, तो ध्यान देंगे 45 वर्ष है। तो 45 वर्ष है, तो देखो इसमें 45 जोड़ के होता है, नहीं होता है, 45 जोड़ के होता है, नहीं होता है, 45 जोड़ के होता है, नहीं होता है, हमारा आंसर ये हो गया 36 × 45। डायरेक्ट आंसर भी हिट कर सकते हैं, बिना बनाए हुए आंसर कर दिए, लेकिन आगे देखेंगे कैसे करेंगे, जो बनाएं कैसे, ध्यान देंगे। करा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो गुणनफल है, उस समय पिता की, उस समय क्या, 5 साल पहले, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ सीखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। करा 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी किस आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र के आयु का जो गुणनफल है उस समय, उस समय मतलब कब, 5 वर्ष पहले का करा, उस समय व्यक्ति के, व्यक्ति माने पिता के, पिता के आयु का 4 गुना है। देखो पिता से पिता कट गया, पुत्र हमको कितना आ गया, पुत्र हमको 4 वर्ष, 4 ना बच गया, 4 कब आया है, 5 वर्ष पहले। आज पुत्र कितना हो जाएगा, 5 4 9 साल का हो जाएगा, आज पुत्र हो गया 9 वर्ष का, तो पिता कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व हमको पुत्र आ गया 4 साल, तो आज कितना, आज हो जाएगा 9, 5 4 5 जुड़ जाएगा, तो पिता पुत्र का एज कितना, 45 साल, जिसे पुत्र है 9 साल का, तो उसमें घट जाएगा, यानी 45 में पिता हो गया, 45 में घट गया कितना, 9, तो बच गया 36, कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। थोड़ा सा अपना शरीर ऐंठ दिया है, जिसने इसको ठीक करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, कुछ बात नहीं, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले ध्यान देंगे। ए तथा बी की आयु का आयु क्रमशः 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। सबसे पहले तो 40 है और 60 है, हमको चाहिए कितना, 3 के अनुपात में चाहिए, 5 के अनुपात में, 5 के, तो इसमें लगता है 8 घटाएंगे तो कभी कितना हो जाएगा, 32, 3 नहीं आएगा कट के, ये घट गया, 15 घटाएंगे तो 15 25 कभी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, गलत हो गया, 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घटाने पे हो जाएगा हमारा 34, 17 आएगा, नहीं आएगा, 10 घटाएंगे तो 10 घटा के देखो, 10 घटाएंगे तो हो गया 30, और 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, कट गया 100 से 100, 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन इतना समझाए हैं डायरेक्ट, ऐसे में ऐसे डायरेक्ट हम 10 घटाते तो हमारा 3 का अनुपात होता, 5 इसे 10 घटाते तो 5 आता, कट के 3:5 होता, इसको बनाएं कैसे, जो ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। करा 40 साल है, 60 साल है, इसमें कितना घटा दे, यानी कितने वर्ष पूर्व इसका अनुपात 3:5 हो जाएगा, कट जाएगा, 40 5 200 छोटी 18 180, 200 में चल गया 180, तो कितना बच गया, 20 बच गया, अभी माने -5x + 3x, 2x ना हो जाएगा, कट गया तो 10 हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़, सब बताया हुआ, बना लीजिएगा अभी जी है। आगे देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी वही कर देंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सीखेंगे। करे एक एक पिता की आयु, एक पिता की जो आयु है, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, कब, वर्तमान में दिया हुआ है, नहीं, हाँ दिया हुआ, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सीखेंगे। एक पिता है और पुत्र है, सीखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से नहीं निकालें, क्यों, क्योंकि पुत्र एक के गुणज में है, ये दिक्कत है, अगर पिता रहता तो डायरेक्ट आंसर कर देते, लेकिन फिर भी सीखेंगे, ऐसे भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी आंसर हो सकता है। करा क्या कह रहा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना, पुत्र के इतना है, पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, 3 अधिक कर दिए हम, ठीक है, अब करा 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3x + 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना 3 वर्ष बाद, अभी इतना है, 3 साल बाद बढ़ेगा, 3 बढ़ जाएगा, यू 3 साल बाद बढ़ेगा। करा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना, ये पुत्र की आयु के ही 2 गुना है, तो ये 2 से 2 गुना कर देंगे, से कितना अधिक, से 10 वर्ष अधिक है, 10 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, फिर से समझिए। करा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ही बढ़ जाएगा, तो 3x + 6 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो 1x + 3 हो जाएगा, इतना 3 वर्ष बाद पिता जो है ना पुत्र की आयु को 2 गुना ही है, 2 गुना, इससे में 2 से गुना कर देंगे,
आई 10 वर्ष ठीक है, 10 से जोड़ देंगे तो बराबर दोनों हो जाएगा, इतना समझ गए आप। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x+6 बराबर होगा 2x+6+10। देखो ई पट लाएंगे तो सब कट जाएगा, इसे ई पट जाएगा तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 10 आ गया, तो 10 हमारा आंसर हो गया। ये तो पुत्र के पूछ रहा था, अगर ऑप्शन से चलते इधर इधर भी है कोई एक, जो पहले रहेगा वही आंसर मारते हैं एग्जाम में, ऐसा ध्यान रखेंगे। जो दो ऑप्शन टकरा गया तो जो ऑप्शन पहला रहेगा एग्जाम वही ऑप्शन हम मारेंगे, ये पक्का ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी उसी को दिया जाता है। अगर हम इसमें 10 मान के चलेंगे तभी हमारा आंसर बनेगा, तभी आंसर हमारा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बनेगा। अगर अगर इसी का पीता पूछता पीता तो डायरेक्ट आंसर कर देते, क्या करते हैं हम डायरेक्ट आंसर करते, ऐसे भी कर सकते हैं तो अगर करना चाहते हैं तो कर देंगे। क्या करें, पुत्र के आयु को 3 गुना से 3 वर्ष ठीक है। देखिए अगर चाहेंगे तो आंसर हमारा इजी वे में हो सकता है, कैसे सीख लें, मान लीजिए कि हम 10 मान लेते, क्या मान लेते हैं, तो अगर एक पिता के आयु पुत्र के आयु को 3 गुना, तो पुत्र कितना मान लिया, पुत्र मान लिया 10, तो पिता कितना हो जाएगा, पिता हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु को 3 गुना, तो 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है 33 हो गया, 33 हो गया, अधिक हो गया। अब कह रहा 3 वर्ष बाद देखो, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद होगा 36। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को दुगुना, 3 वर्ष बाद ही ना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद कितना हो 13 सीखेंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुना, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 से 10 वर्ष अधिक है, देखो 10 वर्ष अधिक है, इसे 10 अधिक है, 36 से 26 में कितना का 10 का अंतर है, ऑप्शन हमारा ये सेट हो गया, 10 होगा आंसर। ऐसे भी चल सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सीखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 12 के एग्जाम में देता है, सीखेंगे इसको जी, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है, सीखेंगे। करा जयेश जो सीखेंगे, करा जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यही क्वेश्चन करा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो बीच वाला छोड़ दिया, समझने में दिक्कत हो रहा था, इसको छोड़ दीजिए। हम बोल सकते हैं कि जयेश है जो अनिल से बड़ा है, बोल सकते हैं उतना ही बड़ा है, तो इसको 1 मान लेंगे तो इसको 2 मान लेंगे, इतना समझ में आ गया। करा अनिल जो है प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है तो मान लीजिए कितना बड़ा है, तो 1 है तो 2x बड़ा है, इतना समझ में आप समझ आप कह रहा क्या, कह रहा जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है, अनिल से उतना ही छोटा है जितना जितना प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, 3 हो जाएगा, 3x से 1 छोटा हो जाएगा, इससे 1 छोटा हो जाएगा, बहुत समझ गए होंगे। आप ध्यान दें क्या कह रहा है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत ये दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, यहाँ दोनों का योग है 4, योग के तुलना योग से जिसको निकालना उस क्या निकालना, जयेश था 2 से गुना कर देंगे, कटता है 48 12 दूनी का 24, लेकिन ज़्यादा एग्जामिनर तेज रहेगा तो आपको पूछ देगा अनिल का पूछ देगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, तो अनिल पूछ देगा तो क्या होता है, दिया के तुलना योग के तुलना योग से, योग के तुलना योग, योग कितना है 3x4 ना है, निकालना ये तो कैसे गुना 3 से अनिल हो जाएगा, योग के तुलना योग से अगर निकालना कहता प्रशांत 1 से गुना, पी से गुना कर देते, करता 48 ये आ जाता 12, ये आ जाता 16 कितना आ जाएगा, 36 आ जाता, ये ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर ये पूछ देगा ज़्यादा तेज रहेगा तो, ये नहीं पूछेगा तो अच्छा एग्जामिनर सेट करने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको वी वी कर लेंगे जी, आप जितना क्वेश्चन आ रहा है अच्छा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, करा ध्यान देंगे, 10 वर्ष बाद ए की जो आयु है बी के 10 वर्ष पहले की आयु के दुगुना है, सीखेंगे बहादुर, यदि वर्तमान में ए की आयु, ध्यान देंगे, यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो बी की वर्तमान आयु क्या है, सीखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कह रहा है 10 वर्ष, ध्यान देंगे ए को यहाँ 10 कर देंगे, ए के 10 वर्ष की आयु बी के 10 वर्ष पहले आयु का दुगुना है, तो ये एक्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x दुगुना 2x हो जाएगा, और दोनों के वर्तमान में अंतर कितना है 9 साल का ना है, अगर इसको हम वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में लाएंगे तो घटेगा क्योंकि बाद का आयु दिया हुआ है, तो पूर्व जाएगा तो घटेगा ना, वर्तमान आएंगे तो यानी 2x-10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक इसको वर्तमान में तो 10 हो जाएगा, ये पूर्व से आएगा वर्तमान में, बाद से आएगा पूर्व में, वर्तमान में घटेगा, ये दोनों का अंतर कितना है 9 साल का ही कर रहा है, इसको वर्तमान में लाएंगे तो 10 साल बाद है, तो 10 साल पहले आ जाएगा तो वर्तमान में आ जाएगा, ये 10 साल पूर्व है तो 10 साल बाद आएगा तो क्या आएगा, वर्तमान में आएगा, ये है जो नीचे से ऊपर आएगा और ये है जो ऊपर से नीचे आएगा। अब करिए कितना हो गया 2x, देखिए लिखने का प्रयास कम करिए, हम बार बार लिख रहे हैं अभी सिखा रहे हैं जेगुनी, -x हो जाएगा -10 बराबर 9 हो जाएगा, तो वही घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा
एक्स बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बीस बराबर नौ, यानी एक्स बराबर घट के ऊपर चलेगा तो 29 हो जाएगा, 29 ना आ गया 20, क्या पूछ रहा है। तो बी की वर्तमान है, बी के वर्तमान में कितना है, बी के वर्तमान ये ना है, बी के वर्तमान ये है जी, यानी एक्स प्लस दस यानी 29 प्लस दस बराबर 39 आ जाएगा, ये 39 आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन सटाएंगे तो नहीं सटेगा, क्या करेंगे तो संभव नहीं है, संभव हमको नहीं है, कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए सीख गए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन एक सेकंड में बनेगा, लेकिन फिर भी सीखेंगे अभी। देखो ऑप्शन कह रहे हैं, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के चार गुने से चार वर्ष अधिक, सीखेंगे बाद। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के चार गुने से चार वर्ष अधिक है, यदि पांच वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तीन गुने से पांच वर्ष अधिक हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर करेंगे कि फिर पहले सीख लेंगे, सीखेंगे करा ध्यान देंगे, सीखेंगे। यहाँ पिता है और पुत्र, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाया जाता है, जितना क्वेश्चन मुझे बता रहे हैं सब ऑप्शन से ही निकलता आंसर, फिर भी सिखा रहे हैं। करा एक पिता की आयु पुत्र की आयु के चार गुना, ये एक है तो चार एक होगा, चार गुने से चार वर्ष अधिक है, चार वर्ष अधिक है। अब अगर पांच वर्ष बाद ध्यान देंगे, पांच वर्ष बाद कितना हो जाएगा, फोर एक्स प्लस नाइन हो जाएगा, पांच वर्ष बाद एक्स प्लस पांच हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा ही उससे तीन गुना है। पांच वर्ष बाद पिता की आयु या पुत्र की आयु से तीन गुना है, इसमें तीन से गुना कर देंगे, तीन गुना से पांच वर्ष अधिक है तो पांच जोड़ेंगे तो बराबर दोनों में हो जाएगा। अरे तीन पांच वर्ष के बाद पिता जो है ना पुत्र की आयु से तीन गुना ही ज्यादा होगा, तो ये बेचारा तीन गुना कम है तो तीन से गुना कर देंगे, अगर पांच वर्ष से अधिक भी है तो पांच में जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा। अब हल करिए तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स, डायरेक्ट हल कर देते हैं ध्यान देंगे, यहाँ तीन एक्स हो जाएगा, तीन एक्स दिखा देते एक्स हो जाएगा, आई होगा चार पचास कितना होगा, पाँच या पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, बीस में से नौ तो ग्यारह बजेगा ना। तो क्या पूछ रहा है, पिता पूछ रहा है, तो पिता हमको पूछ रहा है तो पिता कितना हो जाएगा, कितना है ग्यारह चौके चौवालीस, ग्यारह चौके चौवालीस से चार अड़तालीस ना हो जाएगा, अड़तालीस साल पिता। ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर देखिए कैसे आसानी हो जाएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर होगा, सीखेंगे। करें पिता की आयु पुत्र की आयु के चार गुने से चार वर्ष अधिक है, कोई है चार के गुना में है लगभग, देखिए तो चार चार वर्ष अधिक है, चार इसमें घटा दीजिए तो इसमें चार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पैंतीस, जबकि चार कौन सी कह रहा है चार गुना, तो चार गुना किसी का है, संख्या चार गुना नहीं है, इसमें चार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बावन, चार घटाएंगे तो तेरह सौ बावन, ये हो सकता है तेरह सौ बावन हो सकता है, ये चार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बयालीस, चार गुना है कोई के नहीं है। चलिए हमारा आंसर ये हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है, समझ में आ गया, क्योंकि चार घटाने पर ग्यारह सौ चौवालीस होता है, चार घटा तेरह सौ बावन होता है, इतना समझ गए। अब आगे आते हैं, कह रहा पाँच वर्ष बाद छप्पन में पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच वर्ष बाद इकसठ हो जाएगा, अरे पाँच वर्ष बाद कितना हो जाएगा, पाँच जोड़ेंगे तो हो जाएगा तिरपन, तिरपन हो जाएगा, इसमें पाँच जोड़ेंगे तो तिरपन हो जाएगा। कह रहा पाँच वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तीन गुना, पुत्र की आयु को क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे इसमें चार घटाते हैं तो चौवालीस ना हो गया था, तो चौवालीस होगा तो पिता पुत्र हमारा ग्यारह होगा, और इसमें चार घटाएं तो बावन होगा तो तेरह होगा, तना तेरह सौ बावन होगा, पुत्र का आयु को चार बार चार गुना चार बार अधिक था, ये समझ में आ गया। तो अब कह रहा है कि अब कह रहा है पाँच वर्ष बाद, तो पाँच वर्ष बाद कितना हो जाएगा, सोलह हो जाएगा, अरे पाँच वर्ष बाद कितना, तेरह चार कितना हो जाएगा, पाँच बार अठारह हो जाएगा, अठारह हो जाएगा। तो कह रहा है पाँच वर्ष बाद पुत्र की आयु का तीन गुना, तीन गुना कितना, सोलह अड़तालीस हो गया, अभी तीन से गुना करेंगे तो अठारह चौवन हो जाएगा, चौवन से पाँच वर्ष अधिक है तो चौवन में कितना जुड़ेंगे, पाँच अधिक है नहीं है, उनसठ आता है हमारा, इसमें पाँच जोड़ते हैं तो कितना, उनसठ ना आता, गलत है, अरे अड़तालीस में देखो पाँच अधिक है, ये पाँच अधिक है हमारा, ऑप्शन ये सूट हो गया हमारा, ये हो जाएगा, समझ में आ गया। एक बार और समझिए फिर डेट कर देते हैं, अब सीखेंगे, यहाँ देख देखिए सीखेंगे, ये तो छट गया, बयालीस छट गया ना, ये छट गया था, ये छट गया था, अब चाहे तो ये होगा चाहे तो होगा। अब अगर इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं चार अधिक है तो चार घट जाएगा तो बच जाएगा बावन, तो तेरह सौ बावन हो जाएगा, तेरह सौ बावन ग्यारह सौ चौवालीस, ये ना होगा चार घटेगा तो, यानी पुत्र हो गया कितना, पुत्र हो गया ग्यारह, ये हो गया इतना फलना से, समझ ठीक है। अब अगर पाँच वर्ष बाद, पाँच वर्ष बाद ही कितना, पाँच वर्ष बाद हो जाएगा सोलह ही हो जाएगा, अरे पाँच वर्ष बाद कितना होगा, अठारह होगा। अगर पाँच वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का तीन गुना, तो इसमें तीन से गुना कर देंगे, इसमें तीन से गुना करने पर जो प्राप्त होगा ना, पुत्र पाँच वर्ष अधिक है, पाँच अधिक होना चाहिए, कौन होना चाहिए अधिक, ये पाँच अधिक होना चाहिए, पाँच क्या होना चाहिए अधिक, कब, तो पाँच से जोड़ देंगे तब ना, तो पाँच जोड़ते हैं तो ये हो जाता है, पाँच जोड़ता है इकसठ हो जाता है, अब पाँच जोड़ते हैं तो कितना ही हो जाता है, तिरपन हो जाता है, देखिए पाँच साल अधिक है, पाँच साल अधिक है इससे,
कि 5 साल ठीक है, ये नहीं है, ये गलत हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए किताब बताएंगे तो और शॉर्ट बताएंगे हम, किताब कलम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसको भी ऑप्शन से निकाल डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, सीखेंगे। अभी से बताया हुआ है, अगर एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी, ध्यान देंगे, मेरी 3 वर्ष बाद की जो आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त जो संख्या होता है उसमें 3 वर्ष पूर्व की आयु का कितना गुना घटाने पर, सॉरी 3 वर्ष की आयु का 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी, तो उस व्यक्ति को मैं बोला था, ध्यान देंगे, जब एगो रहेगा पूर्व रहेगा बाद रहेगा, मैं बोला था बीच में एक समय वर्तमान मान लीजिएगा, अगर हमको कल या परसों जाना है तो बीच में क्या आज मान लेते हैं, तो यहाँ भी मैंने बोले थे कि वर्तमान मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, वर्तमान एक मान लीजिएगा। अब इससे पहले कहेगा तो हम पूर्व जाएंगे, बाद कहेगा तो प्लस में जाएंगे, तो कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इधर आ जाएगा, उस बाद हो जाएगा एक प्लस 3, 3 वर्ष बाद में से 3 से गुना करने पर, 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना प्राप्त जो संख्या है उसमें 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष के लिए कितना, 1 माइनस 3, 3 वर्ष पहले को 3 से गुना, 3 गुना घटाने पर हमारा वर्तमान जो प्राप्त होता है, समझ में आ गया, फिर से समझिए। कोई व्यक्ति है जो कह रहा है ना कि मेरा 3 वर्ष बाद की जो आयु है ना, 3 वर्ष बाद की आयु में को 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करने पर 3 वर्ष पहले की आयु में 3 से गुना कर देंगे ना, दोनों में घटा देंगे तो हमारा वर्तमान जो प्राप्त हो जाएगा, इसको करिए कितना होगा, 3x प्लस 9 हो जाएगा -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 बराबर x, यही से ही कट जाता है, x बराबर कितना आ जाएगा 9, 9 18 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, उस व्यक्ति के वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान तो हमारा 18 साल नहीं आंसर दे रहा है, 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी चलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से भी चलने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जब किताब आएगा तो किताब में बता दूंगा, किताब में बताया हुआ है ना, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने ना तो करिएगा, ऑप्शन से आप खुद बनाइएगा कि हाँ सर बन गया मुझे लिख दीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, बुक का क्वेश्चन है, सोल्यूशन करवा देंगे, ध्यान देंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीखेंगे जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अरे तानिया है, तानिया के दादा है, ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, करा 16 वर्ष पूर्व, तो 16 वर्ष पूर्व हो गया, 16 वर्ष पूर्व है तानिया के दादा की आयु, उसकी आयु का 8 गुना है, अगर तानिया 1 है तो 8 गुना है, 16 वर्ष पूर्व, समझ में आ गया। अब अगर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जुड़ जाएगा, 8 वर्ष बाद उसके दादा की आयु पोती की आयु की 3 गुना होगा, तो 1 होगी तो 3 होगी, 3 गुना हो जाएगा, मैंने बोला था कि एज हमेशा अंतर समान रहता है, तो इसमें के का अंतर 7 का ना, इसमें 7 से गुना हो जाएगा, इसमें 2 का अंतर है तो कैसे गुना होगा, इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, इसमें इसमें कितना से हो जाएगा, इसमें 7 से हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा 2 से, इसमें हो जाएगा 7 से, इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं कराए है, तो 8 वर्ष पूर्व, ध्यान दे, 8 वर्ष पूर्व तानिया की आयु तो था, उसके दादा की आयु का अनुपात क्या था, सीखेंगे यहाँ 200 दोनों में कितना वर्ष का अंतर हो रहा है, ऐसे हो रहा है 24 साल का, वहाँ 24 साल का अंतर है, यहाँ दोनों में कितना का अंतर है, 5 साल का ना, देखो 200 हो गया 7, 24 हो गया कितना 21, 5 साल का अंतर है ना, ये 5 निकल गया, निकालना है तानिया के दादा के, तानिया के तो 200 गुना, 200 गुना कब हुआ है, 16 साल पहले था, 16 साल जुट जाएगा, 16 जुट गया, लेकिन पूछ रहा है कितना एज हमको, 8 वर्ष पूर्व, तो 8 घट जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा 24/5 गुना इसका दादा कितना है, 16 ना हो जाएगा, 16 प्लस 16 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व पूछ रहा था, पूर्व लेके चला गया, काटिएगा नहीं दिक्कत होगा, परीक्षा में कभी नहीं काटा जाता है, देखिए कितना हो जाएगा, 24 गुना 2 8 ना बजेगा, 8 बजेगा 40, 40/5 अनुपात हो जाएगा 24 गुना 16 प्लस 40, इसको हटाइएगा 16 में से चला जाएगा कितना 8, 8 ना बजेगा 8/40/5 हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए इसमें कुछ कॉमन, 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन लेते हैं, 8 + 24, 8 + 24 8/40 +5 बच जाएगा, इसमें कॉमन 8 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 + 24 * 16 + 8/40 5 बच जाएगा, 8 से 8 काट जाएगा, देखो 3 × 6 = 6, 5 = 11, 16 * 48 = 5 कितना 53 आ रहा है, ये हमारा ये आ जाएगा आंसर, इतना करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, एक समान का और ज़्यादा हो जाएगा, एक समान का ज़्यादा दिक्कत पड़ेंगे, इसलिए रेशियो से नियम चलेंगे, हमको आसान हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
किताब आएगा तो रिजी कराएंगे, अभी सिखा रहे हैं वहाँ डायरेक्ट उसमें सिखाएंगे। चलिए नीलम तथा शान की वर्तमान ध्यान सीखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीलम तथा शान की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है, 5:6 है बात, ठीक है। यदि नीलम की आयु का, नीलम की आयु का एक तिहाई तथा शान की आयु, शान की आधी आयु का अनुपात 5:9 हो तो शान की वर्तमान आयु क्या है, तो ध्यान देकर सीखेंगे। अगर हम रेशियो से निकालते हैं तो तुलना करने के लिए, निश्चित राशि चाहिए, अगर हम एक से वैल्यू निकालते हैं तो बराबर करने के लिए, भी निश्चित मान चाहिए, निश्चित राशि चाहिए। कहूँ पे निश्चित राशि है कि 5 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद, या दोनों का जोग है जो 9 वर्ष है, या किसी का अंतर दिया हुआ है डिफरेंट में नहीं है, तो ज्ञात किया नहीं जा सकता, आंकड़े या पर्याप्त है, देख के आंसर मार देना परीक्षा में। चाहे कुछ भी हिसाब बनाए, चाहे दुनिया के कोई बनाए, चाहे एज बनाइए, परसेंटेज बनाइए, रेशियो बनाए, कुछ भी बनाइए, उसमें निश्चित राशि दिया रहता है। अगर हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो किसी का क्षेत्रफल दिया रहेगा, किसी का परिमिति निश्चित दिया रहेगा, किसी कोई चीज़ निश्चित दिया रहेगा, इसमें निश्चित कुछ नहीं, सब अनुपातिक मान है, तो ज्ञात किया, नहीं जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन के पहले मैं बता दिया था, पहले बता दिए हैं कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के, वहाँ पुत्र के निकाले थे, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पिता निकालना था, पिता हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे। करा एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, अगर 3 गुना से 3 इसमें घटा देते हैं, 3 घटाते हैं तो कितना, 32, 3 गुना किसी का है 832 नहीं है, गलत, 3 वर्ष होना चाहिए, इसमें 3 घटा देते हैं तो 30 आता है ना, किसी का 3 गुना है, 30 हो सकता है। आगे चलते हैं, कभी कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, 3 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो कितना मिलता है, 8, 38 है ना, 3 गुना है किसी का नहीं है, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 47 तो हो भी नहीं करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मार देंगे जी, बिना देखे परीक्षा मार देंगे, सिखा रहे हैं काटने के लिए, बनाएंगे तो बना लीजिएगा, तो कहिए तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसको इसके पहले पुत्र का निकाल के बताए थे, सेम क्वेश्चन का, पुत्र का 10 साल जो 10 वर्ष आंसर आ रहा था, अब पिता को निकालना है तो उसे सेम कर देंगे, क्योंकि दतिया 30+3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था। तो आज इतना ही, विदा लेते हैं, और थोड़ा सा अभी मेरा क्या बोलते हैं उसको, मशीनरी चीज खराब चल रहा है, मैं आज इंजीनियर से फोन किया था, नहीं आ पाया आज, बोला सर परसों आएंगे तो हम खुद, बोल नहीं परसों खुद चल जाएंगे, उसका गद्दारी से विश्वास नहीं है, तो हम खुद चल जाएंगे, हो सकता है कि बन जाएगा तो फिर ऑनलाइन ले लूँगा, ऑनलाइन क्लास में पक्का जुड़िए, चूँकि टारगेट बैच है एकदम डिफिनिट, देखो उसमें इसमें सिखाते हैं, यहाँ सिखाते हैं कि कैसे माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वहाँ जिसे टक आंसर मारने सिखाते हैं, यही आंसर होगा परीक्षा में, आपको एग्जाम क्या जाँचता है, आप कैसे लाए हैं सही आंसर, वो जाँचता ही नहीं जानता कि सही बना के लाए गलत बनाया, कि डायरेक्टे फांकी मार के आंसर लाया, हम उससे मतलब नहीं, उसको एग्जामिनर सही है, एग्जामिनर बोर्ड क्या करता है, बोर्ड है जो अच्छे विद्यार्थी को छांट को क्या करता है, आयोग को देता है, तो आप अच्छे विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे वो माने नहीं रखता है, आंसर लाने में अच्छे हैं कि नहीं, सबसे पहले आंसर कौन लाते हैं उसको खोजता है। ऑनलाइन क्लास मेरा मिस मत करिएगा, 8 से 9 ऑनलाइन क्लास है, ग्रुप डी का स्पेशल बैच है, और अभी नहीं 2 दिन बाद, कल परसों से चलेगा, तो कल भर तो नहीं चलेगा, परसों से चलेगा, चूंकि सरकारी आदमी है, कोई स्टाफ भी है ऑफिस नहीं, हमारा पूरा ऑफिस ही है, कल मैं हो सकता है कल इंजीनियर आ जाएगा तो कल से चलेगा, तो परसों से डिफरेंट चलेगा। चलिए विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।